आज से ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत दिव्यांगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी मौजूद हैं। सर, ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की? हाँ मैडम, ड्राइव इन वैक्सीनेशन हम लोग पहले से चला रहे थे। अभी हम लोगों ने शुरुआत इसमें ये की है कि हमारे जो भी दिव्यांगजन हैं उन लोगों को हम घर से पिक करके यहाँ ड्राइव इन में ला के गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीनेट कराएँ और वापस घर ड्रॉप करें, जिससे कि वे सब लोग भी पूरी सहूलियत के साथ अपने आप को वैक्सीनेट करा सकें। सर, अभी क्या कुछ नई गाइडलाइन भी जारी होने वाली है, क्योंकि 15 जून तक के लिए ही यही गाइडलाइन थी, जिम और शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं? यस, निश्चित ही एक नई गाइडलाइन हम लोग जल्दी ही जारी करेंगे, जिसमें कुछ और रियायतें देंगे एंड वेरी सून वील ट्राई कि सभी लोग अपनी दैनंदिन में वापस लौट सकें। सर, देखने में आ रहा है कि लोग कोवैक्सीन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जबकि कोविशील्ड ज़्यादा अवेलेबल है, कोवैक्सीन की कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, दोनों ही वैक्सीन अवेलेबल हैं, और जहाँ तक प्रायोरिटी की बात है ऐसा भी कोई पर्टिकुलर ट्रेंड देखने में नहीं आया है। अधिकांश लोगों का उद्देश्य यही है कि उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए, जो कि हम कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से किसी न किसी माध्यम से करते हैं। हमारे साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी, जिन्होंने बताया कि आज से वैक्सीनेशन ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, दिव्यांगों को वैक्सीनेट करने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ सदफ हमिद, न्यूज़ 24 भोपाल।